INDIA अपने आप को मजबूत मान रहा है, लेकिन क्या इस नाम के साथ वो मजबूती से आगे बढ़कर NDA को टक्कर दे सकता है? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि INDIA नाम रखने को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। आपको याद होगा कि 18 जुलाई को बेंगलुरु 26 दलों की बैठक के बाद तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने बयान दिया था। इसी बैठक में 26 दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा। इसका शॉर्ट फॉर्म INDIA है। दरअसल गठबंधन का शॉर्ट नाम INDIA रखने पर एक PIL यानी कि जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि शॉर्ट फॉर्म INDIA राष्ट्रीय प्रतीक यानी एम्बलम का हिस्सा है, अब ऐसे में इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इसी मामले में 26 दलों के साथ ही केंद्र और चुनाव आयोग से भी जवाब तलब किया है। दायर PIL में क्या कहा गया है ये भी जान लीजिए। इसमें कहा गया है कि इन 26 दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव से अनुचित लाभ लेने के लिए ही गठबंधन का नाम INDIA रखा है। इसमें तर्क दिया गया है कि INDIA नाम का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की सहानुभूति और वोट हासिल करने के लिए किया गया है, साथ ही इसे राजनीतिक फायदे के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल करने और चिंगारी भड़काने के लिए किया गया, जो आगे चलकर राजनीतिक नफरत और हिंसा की वजह बन सकता है। साथ ही आगे कहा गया है कि इन राजनीतिक दलों का स्वार्थी कृत्य 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इससे देश के नागरिक अनुचित हिंसा का शिकार हो सकते हैं और देश की कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। गिरीश भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि ये मामला सुनवाई करने के योग्य है। मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। 26 विपक्षी दल अपने राजनीतिक गठबंधन का नाम INDIA रख सकते हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि संघ का नाम इंडिया या भारत है। संविधान किसी भी उद्देश्य के लिए इंडिया नाम के उपयोग पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध नहीं लगाता है। हालांकि राष्ट्र के नाम के समान किसी भी चीज का नामकरण एक असामान्य घटना है और इससे अस्पष्टता पैदा होना तय है। दुनिया भर में ऐसे कई पार्टियां हैं जहां देश का नाम राजनीतिक दल के नाम का एक हिस्सा ही है, लेकिन देश के नाम के समान नाम होना दुर्लभ है। यानी 26 दलों ने अपने गठबंधन को जो शॉर्ट फॉर्म रखा है वो INDIA है, यही विवाद की वजह है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI को इंडिया नाम का उपयोग करने के खिलाफ भी PIL दायर हो चुकी है। 2019 में गीता रानी ने जनहित याचिका दायर की थी। इसमें BCCI को डी रजिस्टर करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इसमें कहा गया था कि इंडिया नाम रखना एम्बलम एंड नेशन एक्ट 1950 के सेक्शन 3 का उल्लंघन है। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने माना कि एक्ट का सेक्शन 3 BCCI पर लागू नहीं होता, क्योंकि ये कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कोई व्यापार, व्यवसाय या पेशा करती है। कानून में राजनीतिक गठबंधन के बारे में कोई नियम नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वकील और इलेक्शन ऑन रोड्स किताब के लेखक विराग गुप्ता कहते हैं कि भारत के किसी भी कानून में राजनीतिक गठबंधन के बारे में कोई नियम नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं मिलता। वही राजनीतिक गठबंधन अनेक प्रकार के होते हैं, चुनाव पूर्व, चुनाव के लिए और चुनाव के बाद। इन गठबंधनों के बारे में भी चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है। कानून की नजर में देखें तो लीगल एंटिटी या पर्सन होना जरूरी है, यानी या तो जैविक व्यक्ति या कानूनी व्यक्ति का होना जरूरी है। जैविक व्यक्ति वो होता है जैसे कोई महिला या पुरुष और ट्रांसजेंडर। कानून द्वारा बनाए गए व्यक्ति होते हैं HUF, कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट। ये लोग कानून के निगाह में होते हैं, इनके लिए अलग अलग कानून बने हैं, इन्हीं को लीगल एंटिटी कहते हैं। अगर 26 दलों के गठबंधन के शॉर्ट नेम INDIA से किसी कानून का उल्लंघन होता है तो ऐसे में देश में अनेक प्रकार के संस्थान हैं। इनमें कई मीडिया संस्थान भी हैं जिनके नाम में इंडिया है, जैसे इंडिया TV, रिपब्लिक भारत, TV9, भारतवर्ष, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। उन्होंने बताया कि इनमें से कई नाम कानून बनने के बाद अस्तित्व में आए। इसके खिलाफ किसी कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं हुई। अब ऐसे में विपक्षी दल द्वारा अपने गठबंधन का शॉर्ट में INDIA नाम रखने में किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता है, क्योंकि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई की गई तो अन्य नामों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी।